मुरादाबाद में कोविड का ड्राई रन मंगलवार की सुबह से शुरू कर दिया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने ड्राई रन की व्यवस्थाओं को परखा। मुरादाबाद शहर में तीन स्थानों पर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एवं चिकित्सालय में, एशियन विवेकानंद और फकीरपुरा अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोविड टीकाकरण का ड्राई रन सुबह 9:30 बजे शुरू किया गया। फकीरपुरा में मेडिकल स्टाफ के अलावा सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह, एशियन विवेकानंद में एसीएम द्वितीय प्रभु सिंह और टीएमयू में एसडीएम सदर प्रेरणा सिंह मौजूद रहीं। इसके साथ ही रूरल क्षेत्र में डिलारी पीएचसी, ठाकुरद्वारा सीएचसी और कुनरकी पीएचसी में ड्राई रन करके व्यवस्थाओं को परखा गया। वेटिंग रूम में 10 गोले बनाकर कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया को उसी तरह से किया गया जिस तरह प्रस्तावित किया गया है, जिससे भविष्य में किसी तरह की समस्या नहीं हो। क्या नाम है? चंद्रवती। चंद्रवती जी, आज कोविड का कोई ट्रायल आपके ऊपर हुआ है? जी। क्या ट्रायल? कोविड की वैक्सीन हमें दी गई है और आधे घंटे का वेट करने के लिए बोला गया हमसे, और इसलिए हम कोविड वैक्सीन लगवा के संतुष्ट हैं ताकि इसकी बीमारी से बचा जा सके और उनको भी बचाया जा सके। लोग आ रहे हैं अच्छे से? अच्छे से आ रहे हैं और लोगों को हम भी जागरूक करेंगे। किस पद पर तैनात हैं? सर, मैं चंद्रवती आशा, फकीरपुरा बीएससी से। क्या नाम है आपका? रेखा रानी। रेखा जी, आपके आज पहली वैक्सीन जो ट्रायल हुई थी वो आपके ऊपर लगी कोरोना की, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठीक लग रहा है, हल्का सा थोड़ा सा वीकनेस हल्की सी लग रही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ठीक लग रहा है। किस चीज़ की वैक्सीन लगी थी आपको? ये कोरोना कोविड की। जी, कोविड की। तो इसके अलावा और लोगों के भी लगेगी? हाँ, और लोगों के भी लगेगी, लेकिन मुझे लगभग कहा गया कि आधे घंटे मुझे यहीं पे रहना है। आधे घंटे यहीं पे रहने के लिए कहा गया है? कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है मुझे। किस पद पे तैनात है? जी, किस पद पे तैनात है? सर, मैं आशा वर्कर। सर, आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन था, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, क्या तैयारी है? कोरोना की इस पैंडेमिक के चलते हुए आज वैक्सीनेशन के दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में, और हम मुरादाबाद की बात करें तो 6 सेंटर्स पर आज ड्राई रन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ड्राई रन के तहत सबसे पहले हम लोगों को बताया गया लोगों के लिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एक एक करके उनके लिए डेट और टाइमिंग जो 9 से 4 की रहेगी वैक्सीनेशन के लिए वो एक निर्धारित की जाएगी, और किस सेंटर पर उनका वैक्सीनेशन होना है वो भी उनके लिए क्लियर हो जाएगा। उसी क्रम में कई लोगों ने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहाँ पर आज मौजूद हुए, इस ड्राई रन में यहाँ पर आए, और उसमें आने के बाद हम लोगों ने उनको बताया हमारे जो फोर्स के स्टाफ लोग रहेंगे, जो एनसीसी कैडेट लगेंगे या होमगार्ड या पुलिस के लोग रहेंगे, जो कि इनिशियली उनका वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में हमारा वेटिंग रूम रहेगा, जहाँ पर कि उनका जो आई कार्ड है आइडेंटिटी के माध्यम से उनका जो पंजीकरण का किया है उसकी वैधता सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो वैक्सीनेशन रूम हमने यहाँ पर बनाया है, जहाँ पर कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप में हम लोगों ने इसके लिए एक वेटिंग रूम के बाद में और वैक्सीनेशन के बाद में एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया, जिसमें कि पेशेंट को या कह सकते हैं कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं वो तकरीबन आधे घंटे तक के लिए रुकेंगे। तो इन सारे स्टेजेस में जो जो कर्मचारी यहाँ पर लगे गए हैं उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ रहेंगी, कैसे उनको काम करना है, कैसे पब्लिक के लोग आएंगे या स्टाफ के लोग आएंगे, जो भी लोग आएंगे उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं, और जो भी ड्राई रन में जो भी कमियां पेशें रहेंगी उनको दूर करने का प्रयास इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जब एक्चुअल समय में जब वैक्सीनेशन का काम हो तो बड़े लेवल पर जब किया जाएगा, काफ़ी सारे लोग आएंगे, तो उसको हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकें और अपने क्षेत्र में जितने अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके इस पर हम लोग ध्यान रख सकें। सर, कितने लोगों को अभी तक ड्राई रन में वैक्सीनेशन? अभी तक हम लोगों ने 6 लोगों का यहाँ पर ड्राई रन कराया चुका है और अभी जारी भी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस ड्राई रन के माध्यम से लोगों तक मैसेज जाए और अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ पर आए। कितने सेंटर मुरादाबाद में बनाए गए हैं? 6 सेंटर पूरे मुरादाबाद में बनाए गए हैं जहाँ पर इस तरीके का ड्राई रन हो रहा है। ड्राई रन जैसे कि फोर्स में होता है, मॉक ड्रिल के माध्यम से होता है, उसी तरीके से ये भी एक ड्राई रन है, और इसमें एक प्रैक्टिस है एक तरीके से कि हमारे स्टाफ, हमारे कर्मचारी जो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं पूरी तरीके से तैयार हो जाएं कि जब एक्चुअल तरीके से जब वैक्सीनेशन का काम हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को हम लोग वैक्सीनेटेड कर पाएँ।